बलौदाबाजार में 10 जून को हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई समिति आज बलौदाबाजार पहुंची। समिति के सदस्य पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जायसी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष देवा देवांगन, जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर शनिवार को जेल में पहुंचकर जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा की साजिश और प्रशासन के फेलियर के कारण घटना हुई है। अब कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और करती रहेगी। वहीं पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी 5 सदस्यीय समिति गठित की है जो प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा 5 सदस्यीय समिति एक बनाई गई है कि जो बलौदाबाजार में जो कांड हुए थे उस घटना में जो लोग जेल के अंदर हैं, हम लोग जा करके उनसे फैक्ट जितनी बातें हो सकती है आ सकती है उन लोगों से चर्चा करने के उद्देश्य से ये कमेटी बनाई गई है और उसी सिलसिले में ही यहाँ आज बलौदाबाजार आए हैं। उसमें हम लोगों ने आज जेल में बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया जिसमें क्रांति सेना के लोग भी भड़काऊ भाषण दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो मंच में उपस्थित थे और भाषण भी दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। यहाँ बलौदाबाजार के होटलों में जो रुके थे उनकी जांच प्रशासन द्वारा क्यों नहीं की गई।